तो स्टूडेंट यही शुरू स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्लास एट्थ का टॉपिक है। अब एट्थ में भी यही है और नाइन्थ में भी यही टॉपिक है। तो कहा गया पर ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है, एक्स वाई इक्वल टू 21 है, तो फाइंड करना है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू अगर फाइंड करनी है आपको, तो ध्यान दीजिएगा आपको ए प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। कैसे देखिए, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे यहाँ पुट करिए, इसकी सेम ऐसे करना है तो हम इसको उतार दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हमें क्यूब में आंसर लाना है, इसका मतलब हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, क्यूब करिए, बोथ साइड क्यूब कर दीजिए। फॉर्मूला लगाइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इसी फॉर्म के हिसाब से करना है एक्स वाई ब्रेकेट में क्या होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 का क्यूब करते हैं कितना होता है 1000, पता हो ना तुम लोग को। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 और एक्स वाई के स्थान क्या लिखेंगे हम 21 रखेंगे, हम 21 लिखेंगे और एक्स वाई के स्थान क्या रखेंगे हम 10 इक्वल टू 1000। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इससे मल्टीप्लाई करके कितना होगा, यहाँ पर 3 1 3 और 3 2 6 और 10 से मल्टीप्लाई तो 0 बढ़ जाएगा, कितना होगा 1000 हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 माइनस 6। अब माइनस कर लीजिए, यहाँ का दिखा देगा आपको माइनस करके कितना आंसर आया बताओ 630। 0 में 0 गया 0 बचेगा, 10 में से 3 गया 7 बचेगा, 9 में से 6 गया बचेगा 3 370। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 370, दैट्स योर आंसर। ठीक है।